साथियों नमस्कार। वीडियो स्किप करने के पहले बस आपसे केवल इतनी गुजारिश है कि 2 मिनट मुझे आपका चाहिए। ये 2 मिनट किसी की जिंदगी को बदल सकता है, किसी बच्चे का भविष्य सुधार सकता है और बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्या लेकर आए हैं जानते हैं आप? हम वो जानकारी लेकर आए हुए हैं जो आपके बच्चों को चाहिए, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं पर शायद कहीं कहीं उनको इस बात का एहसास होता भी है कि वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं भी कर पाते हैं या बच्चों को समझने में समस्या होती है। आपके बच्चे हैं, आपके मित्रों के बच्चे हैं, आपके सभी सगे संबंधियों के बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 से 14 साल की उम्र के बीच की है। इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी क्रिटिकल भाषा समझ में आती है क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज, और सेकेंड लैंग्वेज ऐसे सरलता से तो आ नहीं पाएगी, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। तो हम आपके साथ तहे दिल से जुड़ रहे हैं YouTube के माध्यम से, भविष्य में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे। हमने जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है, जिस प्रोग्राम के तहत हम आपके साथ आए हुए हैं, शुरुआत में ये जो क्लासेस हैं जो कि काफ़ी लंबी चलेंगी, पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। देयर शुड नो चार्ज फॉर दैट, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये जो क्लासेस होंगी वो 8 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल होंगी। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सभी उम्र के बच्चों के लिए अप्लीकेबल होंगी, चाहे वो क्लास 3rd के बच्चे हों, क्लास 4th के बच्चे हों, 5th के हों, 6th हों, 7th हों, 8th, 9th, 10th, 10th तक के बच्चों के लिए ये ज़्यादा फलदायी होंगे इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट और मोर देन दैट, उनसे अधिक के लिए। यहाँ पर हम पूरा प्रयास करेंगे हम आपके बच्चों को बेसिक से लेकर के एडवांस तक की शिक्षा प्रदान करें, जिनमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो इंग्लिश ग्रामर की सरलतम व्याख्या होगी। छोटा बच्चा है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। छोटी से छोटी बातों पर पूर्णतः ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ से बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरली बहुत फ्लक्चुएट होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, बोलचाल की भाषा में, रिटन लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, वोकैबुलरी सेक्शन है जो कि बहुत फ्लक्चुएट होती है और हम उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर कम होते हैं। तो यहाँ मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान करूँगा और वो भी रेगुलर बेसिस पर, जिससे आपके बच्चों में रीडिंग की स्किल, राइटिंग और स्पीकिंग लैंग्वेज पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, उनको समस्या नहीं होगी, ना तो रीडिंग करने में, ना तो समझने में, ना तो बोलने में प्रॉब्लम होगी। और कुछ खास बात, आपका बच्चा किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ रहा है, लिटरेचर पार्ट पर हमारा यही प्रयास रहेगा जो भी पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल होंगी उनका फुल्ली हिंदी में डिस्क्रिप्शन, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो, उनकी व्याख्या के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। वीडियो आपको जो होंगी वो नियमित तौर पर मिलेंगी और भविष्य में जैसे हमने प्रोजेक्टेड कर रखा हुआ है, भविष्य में आपको इंग्लिश जो क्लास होगी वो ऑनलाइन उपलब्ध होगी, वो सबसे न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध होंगी। तो हम गुजारिश यही करेंगे कि आपके स्वयं के अगर बच्चे हैं
छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 से 14 साल की उम्र है, स्वयं के हों या आपके सगे संबंधी हों, दूर दराज में हों या फिर आपके मित्रों के बच्चे हों, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और उनके भविष्य में अंग्रेजी भाषा में परेशानी न हो, ऐसा हम उनके लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल यूके सर इंग्लिश क्लासेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप ये सारी वीडियो आपको रेगुलर तौर पर मिलेंगी। आपका अपना यूके श्रीवास्तव, धन्यवाद।